राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई चिंता का सबब बन गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार खोती जा रही है, गायब होती जा रही है, सवाल उठता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर। खैर, इन सब के बीच में यहाँ आज हम आपसे उमा भारती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उमा भारती से बात की गई सीधे सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से प्रियंका गांधी वाड्रा पर, उनके नेतृत्व पर सवाल किए गए और यहां प्रियंका पर तीखा हमला बोलती हुई उमा भारती ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हाँ। यूपी में प्रियंका गांधी जी ने काफी मेहनत की लेकिन परिणाम बहुत उल्टे आए, और अब कांग्रेस किस तरह से उनको देखती है, प्रियंका गांधी जी की मेहनत को, और सर्जरी की बात अब कांग्रेस में हो रही है। मैं उनको किसी भी तरह से नहीं देखती, मुझे उनकी एक बात भूली नहीं। उन्होंने एक बार कहा कि उमा भारती जी मेरा नाम इसलिए लेती हैं 2012 के विधानसभा चुनाव की बात है यूपी की, क्योंकि इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो उन्हें अपनी औकात भूल गई थी कि मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, मैं केंद्र में मंत्री रही हूँ, मैं पार्टी की महासचिव रही हूँ, और वो पार्टी की अपनी पार्टी की उसमें पदाधिकारी भी नहीं थी। तब मैं समझ गई कि अहंकार है, ये पुश्तैनी जो सामंत फ्यूडल माइंड सेट होता है वो बोल रहा है। तब से मैं उन पर कमेंट करना बंद कर दूँ, उनका नाम नहीं लेती, उनको मिसेज वाड्रा बोलती हूँ, क्योंकि अभी उनको वो हाइट अपनी गेन करनी पड़ेगी कि मैं उन पर टिप्पणी भी करूं। मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करती, उनको इस लायक नहीं समझती हूँ कि उन पर मैं कोई कमेंट करूं।